हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। एमआरएससी टेक्नीशियन में फिर से नए वीडियो के साथ आपका दोस्त अफजल आलम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम एचवीएसी से रिलेटेड हर टॉपिक पे एक एक वीडियो हम बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये एचयू के लेकर के है कि एचयू कैसे फंक्शन करता है, एचयू में कौन कौन से लाइन होते हैं और एचयू के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, ठीक है। और एचयू के अंदर जो चिल्ड वाटर जो लाइन जा रहा है इसके अंदर इसका क्या क्या नाम है। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए, देखिए आप वीडियो, आप आज हम आपको बता देखिए। सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे ये चिल्ड वाटर सप्लाई है, ये हमारा चिलर से सप्लाई आ रहा है चिल्ड वाटर जो हमारा एचयू के अंदर इन कर रहा है। इसके अंदर देखिए एरो का भी निशान है, चिल्ड वाटर सप्लाई करके लिखा हुआ है। कहीं कहीं आपको एरो का निशान नहीं मिलेगा तो घबराने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा सप्लाई है कौन सा रिटर्न है। और ये हमारा जो है ये देखिए यहाँ से ये अंदर गया और उसके बाद ये बाहर आया, इसके अंदर कॉइल है, यहाँ ये कॉइल सेक्शन है, ये चिल्ड वाटर यहाँ पर रिटर्न है। देखिए यहाँ पर चिल्ड वाटर रिटर्न लिखा हुआ होगा। ये देखिए हमारा गेज है, चिल्ड वाटर जितना प्रेशर आ रहा है ये यहाँ पर डाला हुआ है ये गेज में। फिर यहाँ पर देखिए जो बीएमएस कंट्रोल है, टोटल बीएमएस के चलते यहाँ पर देखिए डिजिटल थर्मोमीटर ये करके डाला हुआ है, टीएस थर्मोमीटर जो ये बीएमएस से कनेक्ट है, समझ गए, ये बीएमएस से कंट्रोल होता है। ये आपका मैनुअली थर्मोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अंदर आपका दिखाएगा टेम्परेचर, ये मैनुअली आपका दिया हुआ है। ये हमारा इन कर रहा है, इन करने के बाद देखिए आउट कर रहा है। तो आउट में क्या क्या आपको मिलेंगे आपको मैं दिखाता हूं। ये देखिए ये आउट होने के बाद देखिए यहां पर ये प्रेशर गेज है, गेज में प्रेशर दिखा रहा है, अभी यूनिट बंद है, फिर देखिए अभी आपको प्रेशर इसमें शो कर रहा होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां पर आगे बढ़ेगा तो ये मैनुअली थर्मोमीटर है, मैनुअली थर्मोमीटर यहां पर दिया हुआ है। सेकेंड आपका थर्मोस्टेट जो यहाँ पर है ये आपका बीएमएस से कंट्रोल है, तो ये बीएमएस में इसका शो होता है, ये इंटरनली डाला हुआ है। अब इसके बाद जब आगे ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए एक्चुएटर लगा हुआ है, ये कंट्रोल करता है पानी का लाइन को। ये एक्चुएटर को बहुत सारे नाम से जानते हैं इसको, समझ गए, आपको इसका आपका नाम कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं, एक्चुएटर बोलते हैं, स्टेपर वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो इस नाम से भी आपको जानना होगा। देखिए आगे में इसका डीआरवी दिया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है डीआरवी, मतलब डबल रेगुलेटिंग वाल्व, इससे पानी का प्रेशर कितना कम ज्यादा करना है वो बंद करते हैं हम लोग, ठीक है। अभी इसके आगे जाएंगे तो आप ऊपर में देखिए गेट वाल्व दिया हुआ है, यहाँ पे गेट वाल्व लगाया हुआ है, इससे आप पानी का लाइन को डिस्कनेक्ट क्लोज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमारा एचयू में किसी तरह से अगर प्रॉब्लम हो जाता है इसके अंदर, तो अभी हमको पानी का लाइन बंद करना होगा क्योंकि चिल्ड वाटर पानी आ रहा है तो पूरा पानी बह जाएगा, तो उसके लिए यहाँ पे वाल्व दिया हुआ रहता है। देखिए यहाँ पर एक वाल्व है, फिर ये अपना आउट है, सॉरी ये आपका सप्लाई जो आ रहा है इसमें भी एक वाल्व दिया हुआ है और एक इसमें दिया हुआ रिटर्न में, एक सप्लाई में, दोनों वाल्व दिया हुआ। आप दोनों को डिस्कनेक्ट यहां से कर सकते हैं वाल्व बंद करके, उसके बाद यहां पर देखिए चिल्ड वाटर सप्लाई जो आ रही है ये लगा रहता है। तो अभी देखिए अभी इसके अंदर हम दिखाएंगे आपको कौन कौन से पार्ट्स हैं और कैसे। यहां पर भी देखिए, यहां पर भी स्टेनर दिया हुआ है एक बड़ा, चिल्ड वाटर सप्लाई जो है यहाँ पे भी स्टेनर दिया, देखिए यहाँ पे वाई स्टेनर लिखा हुआ है। अब जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि वाई स्टेनर लिखा हुआ है, ये आप खोल करके यहाँ पे भी क्लियर कर सकते हैं। अभी देखिए इसमें सबसे पहला जो सेक्शन है ये अपना ये फिल्टर सेक्शन है, ये फिल्टर सेक्शन है, यहाँ पे देखिए बैक फिल्टर पे ये पहले प्री फिल्टर लगा हुआ है, ये प्री फिल्टर लगा हुआ था ये, और इसके बाद बैक फिल्टर है, ठीक है। अभी क्या है कि सबसे पहले प्री फिल्टर में जो रिटर्न एयर जो हमारा आ रहा है, पहले आप रिटर्न एयर के बारे में जान लीजिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं फंक्शन रिटर्न एयर के बारे में, ये हमारा जो है ये डक्ट जो है, ये डक्ट हमारा रिटर्न एयर है, जब आप यहां पे आ रहा है ये हमारा रिटर्न एयर आ रहा है इसमें, और रिटर्न एयर आने के बाद देखिए वहां पे सामने आगे में आप देख पा रहे हैं वो सप्लाई एयर है, एस ए लिखा हुआ है, एस ए लिखा हुआ है, अब इसमें रिटर्न एयर लिखा हुआ है। और इसमें अभी क्या है कि फ्रेश एयर ऐड करने के लिए यहां पर अलग से देखिए फ्रेश एयर का यहां पर लगाया हुआ है, ये जो है एफ ए मतलब फ्रेश एयर, ये इसके अंदर जाता है, ठीक है। अब फ्रेश एयर का कंट्रोल आपको दिखाता हूं, फ्रेश एयर का कंट्रोल आपका इधर रहेगा, आपको एक मिनट आप बिलीव इधर लेकर के आइएगा, ये देखिए ये
ये फ्रेश एयर जो है ये VAV 1A लिखा हुआ, मतलब एक ये जो हमारा फ्रेश एयर है यहाँ पर VAV के जरिए इसको कंट्रोल किया जा रहा है, वेरिएबल एयर वॉल्यूम, मतलब जितना रिक्वायर्ड होगा, जितना जरूरत होगा उतना ही रिटर्न एयर के अंदर इसको सप्लाई डाला जाएगा, फ्रेश एयर को भी बाहर से ऐड किया जाता है। ये देखिए VAV इस तरह से रहेगा और यहाँ पे VAV आने के बाद इधर से आकर के इसको देखिए फ्रेश एयर फैन जो है इधर से देखिए आपका आया, इधर से लूपिंग करते हुए यहाँ पर इसको डाला, ये रिटर्न एयर आ रहा है, ये रिटर्न एयर में आपको डाला, ठीक है। अब ये फ्रेश एयर क्यों लगाया जाता है, क्योंकि जो हमारा जो सप्लाई जहां जाता है एयर कंडीशनिंग रूम में जहां पर जरूरत है, तो वहां पर लोग बैठे रहते हैं, तो बैठे रहने से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके लेकर के फ्रेश एयर ऐड करना पड़ता है, किसी तरह से स्मेल है या किसी तरह से कुछ भी रीजन होने से उसको फ्रेश एयर ऐड करते रहना पड़ता है, वरना अगर फ्रेश एयर ऐड नहीं करेगा तो जो एचयू रूम से जो हवा आ रही है, जो अपना एयर कंडीशनिंग रूम से जहां पर ऑफिसर जो भी आदमी बैठे हुए हैं वहां से जो एयर आ रही है वही एयर को ये सर्कुलेट करते रहता है, लेकिन इसको फ्रेश करने के लिए फ्रेश एयर ऐड करता है। तो आप यहां पर देख लिए ये फ्रेश एयर यहां पर देखिए डिफरेंशियल है, ये दोनों का टेम्परेचर शो करता है, डिफरेंशियल प्रेशर पैनल फिल्टर ये बैक फिल्टर, ठीक है, बैक फिल्टर का भी शो करेगा टेम्परेचर, ये पैनल फिल्टर का कितना क्या है, किस तरह से कितना खराबी है उसके अंदर, ये सब भी शो करता है वो बीएमएस में आपको दिखाएगा, अगर प्री फिल्टर गंदा रहेगा वो भी शो करेगा। तो अभी आपने देखा ये प्री फिल्टर हो गया, ये बैक फिल्टर हो गया, यहाँ पे देखिए आप देख सकते हैं ये हमारा रिटर्न आ रहा है, ऊपर से ये रिटर्न आ रहा है, ये यहाँ पे देखिए सप्लाई है, ये फ्रेश एयर यहाँ पे इंक्लूड किया, ये रिटर्न आ रहा है, इसमें मिक्स हो जाता है जब रनिंग होगा। तो अभी नेक्स्ट पार्ट आप देखिए, ये आपका जो हम आपको बताएं कि ये कूलिंग कॉइल में जा रहा है, ये सप्लाई है, यहां पर कूलिंग कॉइल रहेगा, इस जगह पे कूलिंग कॉइल रहेगा। अभी देखिए आपको हम इसके अंदर का दिखाते हैं क्या सेक्शन रहता है, इसके अंदर देखिए आप देख पा रहे होंगे कूलिंग कॉइल है, यहां पे देखिए ये कूलिंग कॉइल है, ठीक है, ये जो आपका जो ग्रीन वाला है ना, ये देखिए कूलिंग कॉइल है, कूलिंग कॉइल के बाद जो है ये आपका हीटर है, ये आप देख पा रहे होंगे ये आपका हीटर है। ये हीटर क्यों लगाया जाता है, जब आदमी रिक्वायर्ड चाहिए हमको गर्मी, ठंडी के दिन में अगर गर्मी चाहिए तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, उसके लिए हमको हीटर ऑन करना होगा और चिल्ड वाटर सप्लाई बंद करना होगा। अभी उसके बाद देखिए ये मोटर लगाया हुआ है, यहाँ पे एक मोटर है और ये ब्लोअर है, ये ब्लोअर है, इसको वी बेल्ट के जरिए इसको राउंड किया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, इसमें वी बेल्ट लगा हुआ है और ये ब्लोअर है, ये वी बेल्ट लगा हुआ है, पुली टू मोटर कनेक्टेड किया हुआ है। अब यहां पर देखिए ये सप्लाई कर रहा है, ब्लोअर जो हमारा है एयर को आगे सप्लाई कर रहा है, और ये कपड़ा जो इसलिए लगाया गया है कि बीच में वाइब्रेट हो तो टूटे नहीं किसी से, इसको कैनवास बोला जाता है, कैनवास, ठीक है, ये इसके जरिए वाइब्रेट होने से ये बचाता है। और ये एयर को देखिए अभी सप्लाई करेगा, ये एयर को सप्लाई कर रहा है, अभी इसके अंदर भी आपको सप्लाई एयर डक्ट में, रिटर्न एयर डक्ट में भी कुछ इक्विपमेंट लगाए हुए होते हैं। अगर बीएमएस कंट्रोल है तो बहुत सारा सेफ्टी रहता है, बीएमएस अगर सिस्टम नहीं है तो उसमें उतना ज्यादा फैसिलिटी नहीं रहता है, लेकिन ये बीएमएस कंट्रोल है टोटल, इसलिए इसमें बहुत सारा कुछ डिवाइस एक्स्ट्रा लगाए हुए हैं। ये एक्सटर्नल है, अगर वो डिवाइस नहीं भी लगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड के तौर पे लगाया हुआ है। तो अभी आपको हम दिखाते हैं, अभी आप देखिए ये स्मोक डिटेक्टर है, ये जो है अगर किसी तरह से कुछ अगर प्रॉब्लम होता है, इसके अंदर आग लगती है तो इसके जरिए बीएमएस को इन्फॉर्म देगा और उसके बाद एचयू आपका बंद हो जाएगा। दूसरा आपका टेम्परेचर एंड आरएच रिलेटिव ह्यूमिडिटी सेंसर है, आरएच कितना आ रहा है वो सेंस करता है, वो सिस्टम में दिखाएगा। दूसरा आपको दिखाता हूं मैं, इधर में देखिए वो ये आपका रिटर्न का था, ये रिटर्न में देखिए स्मोक डिटेक्टर है और टेम्परेचर आरएच सेंसर है। दूसरा आप इधर देखिए ये सप्लाई है, ये सप्लाई है, ये सप्लाई एयर डक्ट है, ये सप्लाई में क्या लगाया हुआ है, सप्लाई में भी टेम्परेचर एंड आरएच सेंसर दिया हुआ है, इसमें प्लस में इसमें प्रेशर सेंसर है, कितना प्रेशर में एयर का फ्लो हो रहा है। आपको मैं फ्रेश एयर का दिखाया था ना, ये देखिए यहां पर VAV है, इस तरह से कंट्रोल करता है, अभी यूनिट बंद है इसलिए 0% VAV ओपन है, ठीक है, ये आपका VAV है। तो अभी
अब देखिए इस तरह से सप्लाई रूम में गया हुआ है। तो अभी आपने देखा एचयू के बारे में, आपको मैंने फुल डिटेल्स बताया कि इसका क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसका क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से इसमें डिवाइस लगाए हुए हैं। तो आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा HVAC से रिलेटेड इस तरह का वीडियो आते रहते हैं, और नेक्स्ट वीडियो आपको दूसरा किसी टॉपिक पर डालेंगे। अगर आपको किसी और चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, डालिए, इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखें।